कैलाश गोवा जाने का प्लान करता है और एक बस की टिकट बुक कर लेता है। जब वो बस स्टैंड पहुंचता है तब उसे याद आता है कि वो टिकट लाना तो भूल ही गया और उसे बस नंबर भी याद नहीं था। कैलाश के सामने तीन बस खड़ी है, तीनों सेम टाइम पे निकलने वाली है। इन तीनों बस को देख के कैलाश को पहचानना है कि उसकी गोवा वाली बस कौन सी है। क्या आप कैलाश की मदद कर सकते हैं? ध्यान से देखिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। पहली वाली बस में गुजरात का अक्षरधाम मंदिर बना हुआ है, मतलब ये बस गुजरात जा रही है। दूसरे बस में ठंड के कपड़े और ग्लव्स पड़े हुए हैं, मतलब ये बस कोई पहाड़ी वाली जगह पे जा रही है। और कैलाश को तो गोवा जाना है, मतलब ये भी गलत बस है। तो सही बस तीसरी वाली है। कैलाश मस्त बस में जाके बैठ जाता है। इतनी मस्त पहेली के लिए जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस रूम को ध्यान से देखिए और बताएं बाहर जाने के लिए कोड क्या होगा। ध्यान से देखिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। डोर के ऊपर के कलर्स के ऑर्डर को ध्यान से देखिए। उसी कलर्स में रूम में फ्रूट्स रखे हुए हैं। रेड कलर के चार फ्रूट्स हैं, ग्रीन के दो हैं, पिंक के दो और येलो के तीन। तो कोड हो जाएगा 4223। जैसे ही मैंने ये कोड प्रेस किया डोर ओपन हो गया। आप भी डाउनलोड कर लीजिए द 4-डिजिट कोड। 132 डोर्स है। मैं आपको चैलेंज करता हूँ पूरे 132 डोर्स क्रॉस करने के लिए। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक वैम्पायर कपल पुलिस के पास आते हैं और पुलिस ऑफिसर को बोलते हैं, हमारी मदद कीजिए, किसी ने हमारे बेटे को किडनैप कर लिया है। पुलिस रास्ते के कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक करते हैं तो पुलिस को तीन लोगों पे शक जाता है। क्या आप इन तीनों लोगों को देख के बता सकते हैं वैम्पायर के बेबी को किसने किडनैप किया होगा? ध्यान से सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। वैम्पायर्स को कैंडीज और बलून में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, उन्हें तो खून में इंटरेस्ट होता है। और इस लेडी के पास ब्लड है, मतलब इसी ने किडनैप किया होगा। चलिए अगली पहेली देखते हैं। मैडम कपूर करोड़ों की जायदाद की मालकिन है, लेकिन उनको लगता है उनकी बेटी बड़ी बेवकूफ है। इसलिए मैडम कपूर ने उनकी वसीयत में कुछ कंडीशंस रखी है करीना की टेस्ट लेने के लिए। अगर उनकी बेटी ने ये टेस्ट पार कर लिया तो उसे सारी जायदाद मिल जाएगी। मैडम कपूर ने करीना को तीन लेटर दिए जिनमें एक लेटर में करोड़ों रुपए का चेक है। हर लेटर के ऊपर एक मैसेज लिखा हुआ है। दो मैसेज गलत है और एक मैसेज सही है। अब करीना को चुनना है कि कौन से लेटर में वो चेक है। करीना को बस एक मौका मिलेगा लेटर चूज करने का। अगर करीना ने सही लेटर चुन लिया तो उसे वो करोड़ों रुपए मिल जाएंगे। पहले लेटर पे लिखा है चेक यहाँ नहीं है, दूसरे पे लिखा है चेक यहाँ है और तीसरे पे लिखा है चेक सेकंड वाले में नहीं है। कौन सा लेटर चुनेंगी करीना? क्या आप सोच के बता सकते हैं करीना को कौन सा लेटर चुनना चाहिए? ध्यान से सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। अगर चेक फर्स्ट वाले लेटर में है तो फर्स्ट पे लिखा है लेटर यहाँ नहीं है, झूठ। सेकंड पे लिखा है लेटर यहाँ है, झूठ। तीसरे पे लिखा है लेटर सेकंड में नहीं है, सच। दो झूठ और एक सच, मतलब चेक फर्स्ट वाले लेटर में ही है। आप इसी तरह बाकी लेटर्स को भी चेक कर सकते हैं वेरीफाई करने के लिए। करीना लेटर पहचान लेती है और उसे करोड़ों का चेक मिल जाता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। राजू को एक सीरियल किलर किडनैप कर लेता है। किलर को गेम्स खेलना बहुत पसंद है। वो उसके सारे विक्टिम्स के साथ एक गेम खेलता है। इस बार वो राजू के साथ खेलता है। उसके सामने वो तीन कुकीज रख देता है और बोलता है तीनों में से सिर्फ एक कुकी ही अच्छी है, बाकी दोनों कुकी में जहर है।
अगर तुमने जहर वाली कुकी खा ली तो तुम मर जाओगे। बताओ कौन सी कुकी खाना पसंद करोगे? राजू सोच में पड़ जाता है, अब क्या करे, कैसे बचे इस सीरियल किलर से? क्या आप राजू की मदद कर सकते हैं कुकी सिलेक्ट करने में? ध्यान से सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। पहली वाली कुकी तो कीड़ा खाके भी मर गया, मतलब ये जहर वाली कुकी है। दूसरी कुकी हल्की सी गीली और सड़ी हुई लग रही है, मतलब इसमें भी जहर हो सकता है। राजू तीसरी वाली कुकी खाता है और सीरियल किलर से बच के निकल जाता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक साइंटिस्ट के लैब में चोरी हो जाती है, उसकी सालों की मेहनत से बनाया हुआ सीक्रेट फॉर्मूला चोरी हो जाता है। वो केस को सॉल्व करने के लिए डिटेक्टिव मेहुल को बुलाता है। वो मेहुल को बताता है कि लैब की लाइट चली गई थी, मैं कैंडल लेने के लिए गया तभी डोरबेल बजी। मैंने गेट खोला तो एक आदमी नकाब पहने खड़ा था। मुझे उसने बंदूक दिखाया और मेरा फॉर्मूला लेके चला गया। मेहुल ध्यान से उसकी बातें सुनता है और आसपास की चीजों को देखता है और समझ जाता है कि साइंटिस्ट झूठ बोल रहा था। कैसे मेहुल को कैसे समझता है कि साइंटिस्ट झूठ बोल रहा था? क्या आप बता सकते हैं? आंसर देखने से पहले आपका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। साइंटिस्ट बोलता है कि घर की लाइट चली गई थी, तो फिर डोरबेल कैसे बची? मतलब साइंटिस्ट झूठ बोल रहा था और उसी से मेहुल पे उस पे शक गया। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक साइक्लिस्ट के पास तीन टायर्स हैं, हर एक टायर 20 किलोमीटर चल सकता है, उसके बाद टायर खराब हो जाएगा। तो क्या आप बता सकते हैं साइक्लिस्ट इन तीनों टायर को यूज करके मैक्सिमम कितना किलोमीटर चल सकता है? आंसर देखने से पहले आपका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। पहले मैं 10 किलोमीटर जाऊंगा दो टायर से, तो दोनों टायर्स का 10-10 किलोमीटर हो जाएगा। फिर मैं सामने वाले टायर को चेंज कर दूंगा, अब मैं वापस 10 किलोमीटर जाऊंगा, तो टोटल हो गए 20 किलोमीटर। सामने वाले टायर्स के 10 किलोमीटर हो गए, लेकिन पीछे वाले टायर्स के तो 20 किलोमीटर हो गए। अब मैं उसको तीसरे टायर से रिप्लेस कर दूंगा जो 10 किलोमीटर चल चुका था। अब मैं वापस 10 किलोमीटर जा सकता हूँ, तो टोटल हो गए 30 किलोमीटर। चलिए अगली पहेली देखते हैं। क्या आप इन एस्ट्रोनॉट को देख के बता सकते हैं कि इनमें से कौन सा एस्ट्रोनॉट ऑड वन आउट है, मतलब कौन सा एस्ट्रोनॉट अलग है? आंसर देखने से पहले आपका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है एस्ट्रोनॉट सी। बाकी एस्ट्रोनॉट का सेंटर गोला ब्लू है, लेकिन इस एस्ट्रोनॉट का रेड है। क्या आप इन बर्ड्स को देख के बता सकते हैं इनमें से कौन सा बर्ड ऑड मैन आउट है, मतलब बाकी बर्ड से अलग है? आंसर देखने से पहले आपका आंसर कमेंट कीजिए। इसका आंसर है बर्ड एफ। अगर आप देखेंगे तो एक आर्क बर्ड एफ का मिसिंग है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। बच्चों की एग्जाम चल रही है, लेकिन एक मिनट, कोई तो चीटिंग कर रहा है। कौन चीटिंग कर रहा है? क्या आप ध्यान से देख के बता सकते हैं कौन चीटिंग कर रहा है? ध्यान से सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बीच वाला लड़का अपनी शर्ट के बटन ओपन करता है, हाथ में कुछ देखता है और फिर शर्ट का बटन बंद कर देता है। लगता है इसने हाथ में कुछ लिख रखा है, यही चीटिंग कर रहा है। दोस्तों जल्दी से द 4-डिजिट कोड गेम डाउनलोड कर लीजिए, अपने लॉजिक को यूज करो और 132 डोज को सॉल्व करो। मेरा आपको चैलेंज है ये।
गेम का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। थैंक यू।